दोस्तों, बच्चों के बेहतर विकास के लिए पेरेंट्स अक्सर बच्चों को हेल्दी डाइट देने पर फोकस करते हैं। बेशक पोषक तत्वों से भरपूर आहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मददगार होता है, मगर बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए सिर्फ हेल्दी डाइट ही काफी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज बताऊंगी जो कि आप बच्चों के रूटीन में शामिल करके उनका दिमाग और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। न्यूट्रिएंट्स रिच फूड बच्चों को हेल्दी रखने का काम करता है, मगर बच्चों के माइंड को शार्प बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज ट्राई करना बेहद ही फायदेमंद होता है। ऐसे में इन एक्टिविटीज को बच्चों के डेली रूटीन में शामिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि उनकी ग्रोथ रेट और ओवरऑल फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी का भी विकास होता है। जिसमें सबसे पहली चीज है पजल गेम। दोस्तों, पजल गेम्स को दिमाग शार्प करने की बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। ऐसे में आप बच्चों को हर रोज 15 से 20 मिनट तक पजल सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों का दिमाग तेज होगा और साथ ही पजल गेम्स की मदद से आप बच्चों को मोबाइल से भी दूर रख सकते हैं। दूसरी चीज है मेडिटेशन प्रैक्टिस। दोस्तों, बच्चों के माइंड को शार्प बनाने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस कराना बेस्ट ऑप्शन होता है। ऐसे में बच्चों को रोजाना मेडिटेशन करने की सलाह दें, इससे बच्चों का दिमाग शांत और नियंत्रण में रहता है। दोस्तों, तीसरी चीज है इमेजिनेशन। दोस्तों, बच्चों की इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करके भी आप उनके माइंड को शार्प बना सकते हैं। स्ट्रांग इमेजिनेशन पावर से बच्चों की सोचने की शक्ति का विकास होता है और विजुलाइजेशन में भी मदद मिलती है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई हुई चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चौथी चीज है डांस। दोस्तों, डांस को बच्चों की बेस्ट फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज में गिना जाता है, तो नियमित रूप से डांस करके ना सिर्फ बच्चे फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं, बल्कि बच्चों का दिमाग भी एक्टिव और स्ट्रांग रहता है। आखिरी चीज है दोस्तों, शतरंज। बच्चों के माइंड को शार्प बनाने के लिए शतरंज यानी कि चेस का खेल भी बेस्ट होता है। कई रिसर्च के अनुसार चेस खेलने से लोगों की मेंटल ग्रोथ तेजी से होने लगती है। ऐसे में बच्चों की चेस में दिलचस्पी पैदा करके आप उनके दिमाग को तेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह 5 चीजें जिन्हें आप बच्चों के रूटीन में शामिल करके उनके दिमाग को हमेशा के लिए स्मार्ट और एक्टिव बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।